इस वीडियो में आप देखने वाले पे ई पेमेंट गेटवे के थ्रू कैसे आप कस्टमर से कोई फिक्स अमाउंट आप रिक्वेस्ट पेमेंट लिंक जनरेट करके रिसीव कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। और शेयर पेमेंट हैंडल किया उसमें आप लिंक जनरेट करके कस्टमर को सेंड कर दिए, वो कोई भी अमाउंट डाल के आपको पे कर सकते थे। बट रिक्वेस्ट पेमेंट किया है उसमें आप फिक्स अमाउंट डाल के कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पेयू पेमेंट गेटवे में रजिस्टर्ड कैसे करना है, KYC कैसे कंप्लीट करना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एंडिंग तक देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपको प्ले लिस्ट शो कर देगा। और अभी तक आपने डिटॉगी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इस टाइप का वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेगा। पेयू मनी में लॉगिन के बाद ट्रांजेक्शन में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्रिएट रिक्वेस्ट इस टाइप का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे देखिए अमाउंट डालना है, पेमेंट किस लिए पेमेंट रिसीव करें डिस्क्रिप्शन डालना है, उसके बाद क्रिएट क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे अमाउंट मैं डाल देता हूँ, क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। 2000 मुझे कस्टमर से रिसीव करना है, फिक्स अमाउंट मैंने यहाँ डाल दिया। पेमेंट डिस्क्रिप्शन में क्या मुझे लिखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ पेमेंट फॉर लास्ट वीक गारमेंट्स, पेमेंट फॉर लास्ट वीक गारमेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख दिया लास्ट वीक का गारमेंट्स का कस्टमर से मुझे पेमेंट रिसीव करना है। डालने के बाद क्रेडिट ग्रीन बटन है, इस पर क्रेडिट ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना। आपको ग्रीन बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा, तो वेट कर लेना आपको। उसके बाद क्या ऑप्शन शो करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रिक्वेस्ट पेमेंट फॉर अमाउंट आ जाएगा 2000, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया था पेमेंट फॉर लास्ट वीक गारमेंट्स। इसके नीचे में लिंक आ जाएगा, तो नीचे में कॉपी लिंक करके आप कस्टमर को शेयर कर सकते हो। और रिक्वेस्ट बाय SMS नीचे में आएगा आपका, रिक्वेस्ट बाय SMS से लिंक शेयर करके पेमेंट रिसीव कर सकते हो। इसके बाद ईमेल के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये तीन ऑप्शन आ जाएगा आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो पहले कॉपी लिंक पे क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ क्या ऑप्शन होगा। लो कॉपी लिंक, रिक्वेस्ट कॉपी आपका हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है वंस यू गेट पेड फ्रॉम योर कस्टमर योर मनी विल बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट इन 2 वर्किंग डेज। कस्टमर से आप पेमेंट रिसीव करेंगे 2 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट जो आप पुट किए उसमें पहुँच जाएगा, सेटल होने में 2 दिन लगता है ये इनका कहना। तो कॉपी करके आप व्हाट्सअप में नॉर्मल मैसेज में किसी में भी सेंड कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे इस टाइप का, सेंड कर दिया। अब कस्टमर जो लिंक पे आपको क्लिक करेगा उसको क्या शो करेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस पर लिंक करके आपका जो पे करेगा कैसा शो करेगा। ये देखिए 31 जुलाई 2000 एक्सपायर होगा 1 साल बाद, 31 जुलाई 2000 मैंने 31 जुलाई 2022 को क्लिक किया, 31 जुलाई 2023 को एक्सपायर होगा। पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर मर्चेंट पे 2000 रुपीज़, पे फॉर लास्ट मंथ गारमेंट्स लिख दिया, पेमेंट डिटेल्स 2000 रुपये, 2000 रुपये स्टेप का शो कर देगा कस्टमर का पास डिटेल। और पेमेंट लिंक 1 साल बाद एक्सपायर होता है यहाँ पे दिया हुआ। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं आप मोबाइल नंबर डालेगा आपका कस्टमर अपना, उसके बाद कंटिन्यू टू पे ब्लैक बटन पे क्लिक करके वो आपको पे कर देगा। क्या क्या ऑप्शन शो करेगा कस्टमर को आपको पेमेंट के लिए वो भी मैं आपको दिखा देगा। आप लिंक सेंड करके इनको बता भी सकते हैं। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए कार्ड में आपको शो करेगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सपायरी डेट वगैरह, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते डाल डूल के पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। सिर्फ कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहता है आपका कस्टमर आप उनको लिंक सेंड करके बता भी सकते हो। बैंक्स में SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, IDBI या फिर सेलेक्ट बैंक क्लिक करके वो मैक्सिम क्या अभी जहाँ भी जो भी बैंक यूनियन वगैरह सारा आ जाएगा आपका देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ एक और ऑप्शन है आपका वॉलेट्स, वॉलेट से UPI से पेमेंट कर सकता है, UPI वॉलेट से पेमेंट कर सकता है, पेटीएम मनी, पेटीएम, फोनपे, जियो पे, फ्रीचार्ज सारा ऑप्शन से वॉलेट के थ्रू भी आपका क्लिक करके जैसे पे करता है नॉर्मल पे कर सकता है। तो कॉपी लिंक मैंने आपको दिखा दिया क्या, और रिक्वेस्ट भी SMS में क्लिक क्या क्या ऑप्शन शो करेगा इस पर क्लिक करेंगे। कस्टमर का आपको जैसे मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ग्रीन बटन पे क्लिक करना है, मैं आपको खुद करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने नंबर डाल के सेंड ग्रीन बटन क्लिक करने के बाद क्या शो करेगा, सेम ऑप्शन आ जाएगा। आप कस्टमर से जब पेमेंट रिसीव कर रहे हैं आपका 2 दिन में आपका बैंक में सेटल हो जाएगा। ये जब आप लिंक सेंड करेंगे आपको ये शो करते रहेगा, आपको बताते रहेगा, तो अच्छा आपका माइंड में रहेगा कि आपका पेमेंट आपको 2 दिन में मिल जा रहा है। तो SMS में आप सेंड करेंगे कस्टमर को इस टाइप का रिसीव आए प्लीज़ क्लिक ऑन द बिलो लिंक, अमाउंट दिखा देगा 2000 टू मर्चेंट फॉर पेमेंट। तो लिंक पे क्लिक करके आपको जैसा मैंने दिखाया शो करेगा पेमेंट ऑप्शन, वो शो करेगा। कॉपी लिंक, SMS बता दिया मैंने आपको, अब ईमेल्स के थ्रू कैसे सेंड करना है वो दिखा देता हूँ। ईमेल आईडी दस कस्टमर अपना डालेगा, सेंड लिंक पे क्लिक कर देगा, मैं अपना ईमेल आईडी डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया, सेंड पे क्लिक करके रिक्वेस्ट सेंड, तो ये बार बार शो होगा जब आपका कस्टमर आपको पे करेगा 2 वर्किंग डेज में आपका बैंक में अमाउंट पहुँच जाएगा। ईमेल कैसे दी, जब रोज ईमेल कस्टमर के पास इस टाइप का जाएगा आपका पास, आपका नाम लिखा हुआ जाएगा, मतलब यू हैव रिसीव ए पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम मोहम्मद इरफान, नाम इनवॉइस आईडी, मर्चेंट हैज रिक्वेस्ट 2000 रुपीज़, अमाउंट जाएगा, ग्रीन कलर का बटन आएगा, बाकी लिंक वगैरह एक्सपायर कब होगा आपका 1 साल का वैलिड रहता है, पेमेंट फॉर लास्ट गारमेंट जो आप लिखे थे वो आ जाएगा, कोई क्वेरी ईमेल आईडी आपका लिख के चल जाएगा। तो इस टाइप का आप
कस्टमर के पास चल जाए, आप पे कर सकते हो। तो मैंने पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया। वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंडिंग तक देखिएगा, प्ले लिस्ट शो कर देगा, वो सारे वीडियो भी रजिस्टर्ड करना है, KYC कैसे कम्प्लीट करना देख सकते हो। और अभी तक आपने एनबी टॉकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इस टाइप का वीडियो आपको मिलते रहेगा, रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ।